हेलो एवरीवन वेलकम टू द स्कॉलर ब्रेन्स आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के सेकंड ब्लॉक के यूनिट सेवन के टॉपिक्स यूनिट सेवन का टाइटल है पब्लिक एंटरप्राइजेस और जो टॉपिक्स आज के वीडियो में हम कवर करेंगे वो है पब्लिक कॉरपोरेशन क्या होती है उसके फीचर्स मैरिट्स एंड लिमिटेशन ओके सो so वट इज़ पब्लिक कॉरपोरेशन पब्लिक कॉर्पोरेशन एक कॉरपोरेट बॉडी है जिसे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा फॉर्म किया जाता है यह इसका फॉर्मेशन एक स्पेशल एक्ट के अंडर करते हैं इस एक्ट में इस कॉरपोरेशन की पावर्स ड्यूटीज़ फंक्शन इम्यूनिटीज़ और मैनेजमेंट के पैटर्न की सभी डिटेल्स मैंशन होती हैं पब्लिक कॉरपोरेशन को स्टेटूटरी कॉरपोरेशन भी कहा जाता है जितना भी कैपिटल की इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो इसे गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है एक्ट के प्रोविजंस के अंडर एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है जो इसे ओवरऑल मैनेज करती है ये पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के प्रति आंसरेबल होती है ओके okay? रूजवेल ने भी पब्लिक कॉरपोरेशन को डिफाइन किया है उनके अकॉर्डिंग पब्लिक कॉरपोरेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गवर्नमेंट की पावर है लेकिन प्राइवेट एंटरप्राइजेस जैसी फ्लैक्सिबिलिटी भी है हर्बर्ट मॉरिसन ने भी अपने व्यूज़ दिए हैं पब्लिक कारपोरेशन को लेकर उनके अकॉर्डिंग पब्लिक कारपोरेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फॉर्मेशन पब्लिक ओनरशिप पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड बिजनेस मैनेजमेंट के कॉम्बिनेशन से पब्लिक बेनिफिट के लिए किया जाता है सो वी कैन से दैट कि पब्लिक कारपोरेशन एक ऐसा अटैम्प्ट है जिसमें प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनी फॉर्म्स होती हैं उसके ऑपरेशंस की जो वर्किंग की फ्लैक्सिबिलिटी है उसके साथ साथ पब्लिक के बेनिफिट को कंबाइन किया गया है ओके पब्लिक कॉरपोरेशन का फॉर्मेशन किसी न किसी पर्पस के लिए किया जाता है नॉर्मली जिन पर्पसेस को अचीव करने के लिए पब्लिक कारपोरेशन का फॉर्मेशन होता है वो कौन सी हैं वो हम इसमें स्टडी करते हैं फर्स्ट इज़ जब किसी नेशनलाइज्ड एंटरप्राइज के बिजनेस का कॉरपोरेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है सेकेंड इज किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के बिजनेस के एक्विजिशन वर्क को इजी बनाने के लिए पब्लिक कॉरपोरेशन का फॉर्मेशन होता है थर्ड इज़ कुछ स्कीम्स को प्रमोट डेवलप एंड ऑपरेट करने के लिए इसका फॉर्मेशन किया जाता है यूटिलिटी सर्विसेज के एक्सपेंशन के लिए इसका फॉर्मेशन होता है कॉरपोरेशन को फॉर्म किया जाता है ओके okay? तो ये वो पर्पस हैं जिन्हें पूरा करने के लिए पब्लिक कारपोरेशन फॉर्म की जाती हैं पब्लिक कारपोरेशन का डेवलपमेंट इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है सबसे फर्स्ट जो पब्लिक कॉर्पोरेशन थी वो थी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जिसे पार्लियामेंट एक्ट 1948 के अंडर स्टेब्लिश किया गया था ये एक मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है सेम ईयर 1948 में गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की सो दैट प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराया जा सके उसके लिए इसकी स्थापना की गई 1953 में जब इंडियन एयरलाइंस एंड एयर इंडिया का सेटअप हुआ था तभी एयर कॉरपोरेशन एक्ट भी पास किया गया था ओके 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया एंड 1956 में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट के अंडर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई ओके इस तरह से जब भी गवर्नमेंट को कोई कमर्शियल एक्टिविटी करनी होती है तब वो पार्लियामेंट से इसके लिए अप्रूवल लेती हैं एक एक्ट पास करती हैं और उसके अंडर एक कॉरपोरेशन स्टैब्लिश की जाती है ये नेसेसरी नहीं है कि हर कॉरपोरेशन के लिए अपना एक अलग एक्ट हो एक एक्ट के अंडर भी एक से ज़्यादा कॉरपोरेशन को स्टेब्लिश किया जा सकता है ओके फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट जो 1948 में लाया गया उसके अंडर बहुत सारी स्टेट्स के जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं वो स्टैब्लिश किए गए हैं सिमिलरली 1951 में स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट आया इसके अंडर बहुत सारी स्टेट्स के स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस को सेटअप किया गया है और नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन फर्स्ट है हमारा क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर हमने अभी स्टडी किया कि पब्लिक कॉरपोरेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट पास करती है स्पेशल एक्ट के अंडर इसको फॉर्म किया जाता है राइट right? तो पब्लिक कॉर्पोरेशन एक ऑटोनोमस कॉर्पोरेट बॉडी है जिसका क्रिएशन स्पेशल एक्ट के अंडर होता है जिसे लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट पास करती है ओके इस एक्ट में जो भी पब्लिक कॉर्पोरेशन की पावर्स होंगी उनकी ड्यूटीज प्रिवलेजेज इम्यूनिटीज उनके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ रिलेशनशिप्स इन सब की डिटेल्स मैंशन होती हैं सेकेंड फीचर है कि इट इज़ ए कारपोरेट बॉडी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की तरह कॉरपोरेशन भी एक लीगल एंटिटी है मीन्स कॉरपोरेशन भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कानून की दृष्टि से मीन्स इन द आइज ऑफ लॉ अपनी अलग आइडेंटिटी रखती है एक लिविंग पर्सन की तरह ये अपने नाम से बिजनेस कर सकती है और किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है लेकिन क्योंकि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है क्योंकि ये क्या है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है इसलिए इसे इसके एजेंट्स ऑपरेट करते हैं जिन्हें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं थर्ड फीचर इज ओन बाय द स्टेट इसके ऊपर जो ओनरशिप होती है इसकी पूरी ओनरशिप स्टेट की होती है और जिस भी कैपिटल की जरूरत होती है इसे वो सारा कैपिटल स्टेट प्रोवाइड कराती है नेक्स्ट आ जाता है हमारा मैनेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं बोर्ड के मेंबर्स डिफरेंट एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए डिफरेंट मेंबर को अपॉइंट uh, किया जाता है जो उस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है और उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो कंसर्न पब्लिक अथॉरिटीज द्वारा की जाती है नेक्स्ट फीचर इज आंसरेबल टू लेजिस्लेचर पब्लिक कॉरपोरेशन पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली के प्रति आंसरेबल होती है जो इसका फॉर्मेशन करते हैं किस वे में वो आंसरेबल है मीन्स किस वे में कॉरपोरेशन अकाउंटेबल होगी या आंसरेबल होगी ये सभी डिटेल्स एक्ट में मैंशन होती हैं पार्लियामेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो कॉरपोरेशन की डे टू डे वर्किंग में डे टू डे ऑपरेशन में इंटरफेयर करे लेकिन पार्लियामेंट कॉरपोरेशन की पॉलिसीज एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस से रिलेटेड मैटर्स को डिस्कस कर सकती है फिर भी पार्लियामेंट में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका आंसर भी दिया जाता है जो कॉरपोरेशन की डे टू डे फंक्शनिंग से रिलेटेड होता है तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि पार्लियामेंट डे टू डे वर्किंग में या डे टू डे ऑपरेशन में इंटरफेयर नहीं करेगी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं ये इसलिए होता है क्योंकि डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट को सुप्रीम राइट्स हैं और ये पॉसिबल नहीं है कि पार्लियामेंट की फ्रीडम को रिड्यूस किया जा सके इसलिए पार्लियामेंट को ये कहना बहुत डिफिकल्ट है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आप उसको जाकर नहीं कह सकते एक्ट में ही मैंशन किया हुआ है तो आप इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते अपार्ट फ्रॉम दिस किसी कॉरपोरेशन में जब मिसमैनेजमेंट आती है तब उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने से पार्लियामेंट को रोका नहीं जा सकता आप उसे स्टॉप नहीं कर सकते चाहे फिर वो उन प्रिंसिपल्स का उल्लंघन हो जिनके लिए पार्लियामेंट ने खुद परमिशन दी हो मीन खुद उसने एक्ट में मेंशन किया हो कि नहीं पूछे जा सकते लेकिन अगर उसे मिसमैनेजमेंट दिखेगी राइट परफॉर्मेंस में कभी कहीं भी ऐसा निगलेक्ट उसे दिखेगा कि जो नहीं होना चाहिए तो उनके पास पूरा अधिकार है कि जो भी उन्होंने एक्ट में लिखा है उसके अगेंस्ट जाकर भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं नेक्स्ट फीचर इज रिलेशन विद द गवर्नमेंट पब्लिक कॉरपोरेशन को गवर्नमेंट ओन करती है लेकिन फिर भी पब्लिक कॉरपोरेशन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या उसके पार्ट की फॉर्म में ऑपरेट नहीं करती है कॉरपोरेशन के एक्ट में ये मेंशन होता है कि गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेशन के बीच किस टाइप का लीगल रिलेशनशिप है और उनके बीच में चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होगा फॉर एग्जाम्पल लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है मैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन क्या होती है पब्लिक कॉरपोरेशन राइट पब्लिक कॉरपोरेशन को ही स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन भी कहा जाता है राइट सो एग्जाम्पल हम पढ़ रहे थे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो एक पब्लिक कॉरपोरेशन है उसके पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड पॉलिसीज़ के मैटर्स में गाइडेंस देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिटर्न में डायरेक्शंस इशू कर सकती है मीन्स जो भी गाइडेंस गवर्नमेंट देगी वो रिटर्न में होगा वर्बल नहीं होगा वर्बल मीन्स वर्बल को वो ऑथोराइज नहीं माना जाएगा तो जो भी गाइडेंस गवर्नमेंट को देनी है उन्हें रिटर्न में देनी होगी इस तरह से गवर्नमेंट के साथ उसके जो रिलेशंस है वो फॉर्मल बने रहते हैं और क्लियर भी रहते हैं राइट कॉरपोरेशन भी बोल सकती है कि हाँ हमारे पा हमने ये एक्शन क्यों लिया क्योंकि हमारे पास ये गाइडेंस आई थी और ये रहा रिटर्न में लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो पब्लिक कारपोरेशन के साथ बहुत सी डीलिंग्स इनफॉर्मल वे में भी की जाती हैं फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि इंडियन एयरलाइंस डेली एंड इम्फाल के बीच ऑपरेट नहीं करती क्योंकि उसके लिए ये जो सर्विस सेक्टर है ये इकोनॉमिकल नहीं है लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि इंडियन एयरलाइंस डेली एंड इम्फाल के बीच में ऑपरेट करे तो वो क्या करेगी एयर कारपोरेशन एक्ट के अंडर गवर्नमेंट इंडियन एयरलाइंस को रिटर्न में डायरेक्शंस दे सकती है कि वो ऐसा करें लेकिन नॉर्मली गवर्नमेंट ऐसा करती नहीं है राइट क्योंकि वो उसे भी पता है कि ये तो इकोनॉमिकल नहीं है तो वो क्या करेगी वो इंडियन एयरलाइंस को सिर्फ एडवाइस देगी कि देखिए आप इसमें भी सेक्टर में भी सर्विस प्रोवाइड कीजिए क्योंकि अगर गवर्नमेंट रिटर्न में ऑर्डर इश्यू करती है तो इंडियन एयरलाइंस को इन ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा उन्हें सर्विस देनी पड़ेगी सेक्टर में जो उनके लिए लॉस होगा अब इस लॉस को क्यों, वो क्यों बियर करेंगे क्योंकि वो तो रन नहीं कर रहे थे गवर्नमेंट के कहने पर रन करना पड़ रहा है उन्हें तो इसका लॉस किसे बियर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को बियर करना पड़ेगा राइट right? अब गवर्नमेंट वो लॉस नहीं बेयर करना चाहती तो अपने आप को सेफ रखने के लिए वो सिर्फ क्या करेंगे एक एडवाइस दे देंगे एडवाइस इशू कर देंगे कि देखिए आप इस सेक्टर में देखिए सर्विस शुरू कीजिए लेकिन वो ऑर्डर नहीं होगा राइट right? एक रिटर्न गाइडेंस नहीं है कि आपको करना ही है तो इस तरह से गवर्नमेंट पब्लिक के सामने आके कहेगी कि सी हमने तो एडवाइस किया था एयरलाइंस ने नहीं, नहीं किया हम तो चाहते इस सेक्टर में भी सर्विस मिले तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्स में मेंशन तो होता है कि किस तरह का लीगल रिलेशन होना चाहिए किस तरह का चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारे सिनेरियोस में ऐसा होता नहीं है नेक्स्ट फीचर इज ओन स्टाफिंग सिस्टम पब्लिक कॉरपोरेशन को गवर्नमेंट ही ओन करती है और मैनेज करती है राइट right? ये तो हम अभी स्टडी कर चुके हैं पहले भी लेकिन इसके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं होते हैं ओके, सो कॉरपोरेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है उन्हें सैलरी दी जाती है और कंट्रोल भी किया जाता है उनकी सैलरी और जो बेनिफिट्स होते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट से अलग होते हैं मीन्स उनके जैसे नहीं होते इस तरह से कॉरपोरेशन के पास एम्प्लॉय रिलेटेड डिसीजंस लेने की फ्रीडम होती है फिर भी कॉरपोरेशंस में एम्प्लॉयमेंट की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की जाती हैं उन्हें गवर्नमेंट क्लोजली कंट्रोल करती है और वो इसलिए ऐसा करती है क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट कॉरपोरेशंस हैं और उनके बीच में जो भी उन डिफरेंट कॉरपोरेशंस में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन्हें जो भी पे एंड बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसमें एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके नेक्स्ट फीचर इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पब्लिक कॉरपोरेशंस के पास फाइनेंस को लेकर फ्रीडम होती है हमने पहले स्टडी किया कि जो डिपार्टमेंटल ऑर्गनाइजेशन हैं वो बजट अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स पर डिपेंड होती हैं राइट लेकिन पब्लिक कारपोरेशंस पर बजट अकाउंटिंग एंड ऑडिट के कंट्रोल नहीं होते पब्लिक कारपोरेशंस के अपने फ़ंड्स होते हैं इन्हीं फंड्स में उसकी इनकम को जमा किया जाता है और इन्हीं फ़ंड से अमाउंट निकाल कर पेमेंट्स की जाती हैं राइट मीन्स वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में नहीं देती हैं अपना जो भी उनका रेवेन्यू होता है पूरा गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट नहीं कराते हैं उनका अपना एक फंड सिस्टम है जिसमें उनकी जो भी इनकम आएगी उसमें जाएगी जो भी पेमेंट्स होंगे वो अपने उस फंडिंग में से करेंगे कॉरपोरेशन को जो भी फंड्स मिलते हैं उन फंड्स की मैनेजमेंट वो खुद करती है अपने बजट के अप्रूवल के लिए उसे पार्लियामेंट के पास नहीं जाना पड़ता गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर पब्लिक कॉरपोरेशन विद इन द कंट्री या कंट्री के बाहर से भी मनी बोरो कर सकती है तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ पब्लिक कारपोरेशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेरिट्स ऑफ पब्लिक कारपोरेशन फर्स्ट इज इनिशिएटिव एंड फ्लैक्सिबिलिटी लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए एक्ट के अंडर ये एक ऑटोनॉमस कॉरपोरेट बॉडी है राइट right? ये हमने स्टडी किया जो अपने इनिशिएटिव एंड फ्लैक्सिबिलिटी से अपने अफेयर्स को इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकती है ये न्यू एरियाज में एक्सपेरिमेंट करती है एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस की तरह अपनी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को इन्जॉय करती है सेकेंड इज़ अवॉर्ड रेड टेपिस हमने स्टडी किया था कि डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रेड टेपिस ब्यूरोसी जैसी जो ये दोष हैं ये पाए जाते हैं राइट right? लेकिन पब्लिक कॉरपोरेशन इसे दूर रहता है किसी भी गवर्नमेंट सेटअप के अंदर एक बिज़नेस फंक्शन को आप एफिशिएंटली कैरी नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट सेटअप के अंदर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है तो अगर हम डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करें तो पब्लिक कॉरपोरेशन डिसीजंस क्विकली ले सकती है क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स बहुत लेंदी बहुत टाइम टेकिंग होते हैं अगर इन सब के अंडर एक बिजनेस फंक्शंस को ऑपरेट करना है तो उन्हें डिसीजंस लेने में डेफिनेटली कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर क्विक डिसीजन की ज़रूरत है तो वो नहीं ले पाएंगे जो हमने डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में देखा था राइट लेकिन पब्लिक कॉरपोरेशन में ऐसा नहीं होता है ये कोई डिसीजंस ले सकते हैं प्रॉम्प्ट एक्शंस ले सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के सेटअप के अंडर ऑपरेट नहीं करते थर्ड इज़ इजी टू रेज कैपिटल पब्लिक कारपोरेशन गवर्मेंट ओन्ड पब्लिक बॉडीज़ हैं राइट स्टेटरी बॉडीज हैं जब भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तब ये लो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले बॉन्ड्स इशू करके फंड्स रेज कर लेते हैं पब्लिक भी आगे बढ़कर इन बॉन्ड्स को खरीदती है क्योंकि ये उनके लिए सेफ है नेक्स्ट इज सिक्योर्स वर्किंग एफिशेंसी पब्लिक कारपोरेशन अपने एम्प्लॉयज को बेटर मैनिटीज एंड मोर एट्रैक्टिव टर्म्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड करती हैं जिससे लेबर प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं एंड वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में पब्लिक कारपोरेशन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पार्लियामेंट इंक्वायरी एंड डिपार्टमेंटल चेक्स एंड कंट्रोल से फ्री होती है इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम तो होती है लेकिन इसके बावजूद इनकी जो पॉलिसीज होती हैं उन पर पार्लियामेंट्री कंट्रोल रहता है इससे पब्लिक इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन होती है पब्लिक कारपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिफरेंट फील्ड्स के बिजनेस एक्सपर्ट्स होते हैं राइट और इनके साथ साथ लेबर एंड कंज्यूमर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है इस तरह से किसी एक सेक्टर के बदले में किसी दूसरे सेक्टर का एक्सप्लॉटेशन नहीं हो पाता नेक्स्ट इज़ वर्क विद सर्विस मोटिव पब्लिक कॉरपोरेशन में ज़्यादा प्रॉफिट एक्सप्लॉटेशन इीगल एक्टिविटीज़ जैसे डिफेक्ट नहीं होते जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस में नॉर्मली होते हैं पब्लिक कॉरपोरेशन का प्राइमरी मोटिव पब्लिक सर्विस होता है प्रॉफिट अर्न करना उनका सेकेंडरी मोटिव है प्राइमरी नहीं है एफिशेंटली वर्क करने से सरप्लस की फॉर्म में इसे अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं लेकिन ये सरप्लस किसी एक्सप्लॉटेशन से नहीं होना चाहिए इस सरप्लस अमाउंट को कंज्यूमर्स एंड कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए यूज़ किया जाता है नेक्स्ट इज सिकोर्सिफिट ऑफ लार्ज स्केल इकोनॉमीज लार्ज स्केल पर ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन होने से लार्ज स्केल के प्रोफिट होते हैं राइट right? इसके अलावा सेवरल कंपनीज को इंटीग्रेट करके मैनेजमेंट में इकोनॉमिक चेंजेस लाना भी इजी होता है फॉर एग्जांपल बड़े बड़े गवर्नमेंट जॉइंट्स को अगर हम बैंकिंग इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट जैसी ऑटोनॉमस यूनिट्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम लो कॉस्ट पर ही मैनेजमेंट को ज़्यादा बेटर बना सकते हैं और ज्यादा स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की सर्विस भी ले सकते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन फर्स्ट इज लेस ऑटोनॉमी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिज़न में पब्लिक कारपोरेशन्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलती है फिर भी गवर्नमेंट इनकी फ्रीडम पर कंट्रोल रखती है गवर्नमेंट ऐसा उन एरियाज में भी करती है जिनमें ये माना जाता है कि पब्लिक कॉरपोरेशन को अपनी एक्टिविटीज़ की फ्रीडम है लेकिन फिर भी ऐसी जगह पर भी गवर्नमेंट का उन पर कंट्रोल रहता है फॉर एग्जाम्पल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड वेरियस स्टेट्स के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ये दोनों पब्लिक कारपोरेशन हैं एंड गवर्नमेंट एंड पब्लिक दोनों के लिए इम्पॉटेंट भी हैं इनके एक्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों को जितनी फ्रीडम मिलनी चाहिए उतनी फ्रीडम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट उन्हें नहीं देती है और वो इसलिए ऐसा करती है ताकि पब्लिक को अननेसेसरी परेशानी ना हो जिस बेनिफिट के लिए इन्हें फॉर्म किया गया है वो बेनिफिट हमेशा पब्लिक को मिले सेकेंड इज इन फ्लैक्सीबिलिटी के स्पेशल एक्ट के अंदर पब्लिक कारपोरेशन को सेटअप किया जाता है राइट right? कॉरपोरेशन के ऑब्जेक्टिव्स एंड पावर्स में किसी भी तरह का चेंज लाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर अपने एक्ट में अमेंडमेंट करे चेंजेस करे इसलिए कॉरपोरेशन किसी भी चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को फ्रीली चेंज नहीं कर सकता इसलिए वो इनफ्लैक्सीबल एंड इनसेंसिटिव कहा जाता है राइट उसके पास ऑपरेशनल फ्लैक्सीबिलिटी है हमने पीछे पढ़ा कि अरे वो तो फ्लैक्सीबल बोल रहे हैं अब लिमिटेशन में हम कह रहे हैं इनफ्लैक्सीबल कुछ चीज़ों में वो इनफ्लेक्सीबल है अपने ऑपरेशन को लेकर नहीं लेकिन हाँ अगर चेंजेस की बात करें कोई चेंज आया है मार्केट में उसके अकॉर्डिंग उसे अपना चेंज करना है लेकिन उसके एक्ट में जो भी प्रोविजन हैं वो उसके अगेंस्ट जा रहा है तो उस एक्ट में उन चेंजेस को लाना पड़ेगा तभी वो अपने आप को उनके अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है ओके नेक्स्ट इज क्लैश अमंग्स डाइवर्जेंट इंटरेस्ट कॉरपोरेशंस को गवर्नमेंट ओन करती है और गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन्हें मैनेज करते हैं जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिफरेंट इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं तब उनके इंटरेस्ट के बीच क्लैश हो सकता है राइट सबके अपने अपने व्यूज हो सकते हैं अपनी फील्ड्स को लेकर जिससे कॉरपोरेशन की स्मूथ फंक्शनिंग हैम्पर हो सकती है कभी कभी तो डायरेक्टर्स अनडिज़ायरेबल प्रैक्टिस करके कॉर्पोरेशन की फ्रीडम एंड अथॉरिटी का hmm. मिस भी करने लगते हैं जिससे कॉरपोरेशन के सोशल ऑब्जेक्टिव्स डिफीट हो जाते हैं नेक्स्ट वन इज इग्नोरस कमर्शियल प्रिंसिपल्स पब्लिक कॉर्पोरेशंस को किसी भी तरह का कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता ना तो उन्हें प्रॉफिट का मोटिवेशन होता है और ना ही लॉस का डर इसलिए ये पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि उनकी वर्किंग में कमर्शियल प्रिंसिपल्स को इग्नोर कर दिया जाए ऐसा करने से कॉरपोरेशन में इन एफिशेंसी आ सकती है और इन्हें लॉस भी हो सकता है इन लॉसेस को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडी की फॉर्म में फाइनेंशियल हेल्प देती है नेक्स्ट इज एक्सेसिव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी पब्लिक कॉरपोरेशन का मेन मोटिव प्रॉफिट का अर्न करना नहीं है राइट right? इसका मेन मोटिव क्या होता है पब्लिक को सर्विस देना उनकी ये जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है वो कभी कभी उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इंटरप्शन का काम भी करती है इसके साथ ही हमारे ये टॉपिक पब्लिक कॉरपोरेशन पर कंप्लीट होता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक्स के साथ और गाइस अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ज़रूरत होगी ताकि उन तक हमारी एफ़र्ट्स पहुंच सके उन्हें भी हेल्प मिल सके और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं राइट एग्ज़ाम सर पर है ओके और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा कोई भी आपके कंसर्न्स हैं क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट में मैंशन में कीजिए आप मुझे ई भी कर सकते हैं मेरा ई एड्रेस है कॉन्टैक्ट तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर गाइज बाय